इमरजेंसी लगी थी 1975 में और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है। और हमारे लोग, मेरे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा आठवीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं, उन्होंने हमें कक्षा आठवीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। बोलो तुमने, बताओ तुम कि वो क्या करती थी। मैंने अपना घर वर्षों पहले छोड़ दिया था, मैं संगठन मंत्री थी, देश के लिए मैंने अपने को जीवन समर्पित किया था, लेकिन भय बनाने के लिए कक्षा छोटी क्लास में स्कूल में पढ़ने वाले हम और पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकों की भी उंगलियां तोड़ी और पसलियां तोड़ी। ये किस लिए था? क्या ये लोकतांत्रिक था?